ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਤ੍ਰੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂੰ ਟਿੱਲਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। महाराजा सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया का 300 साला 3 मई 2018 को आने लग रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने 3 मई 2017 को हरियाणा के सफीदों से शुरू किया था और जो कार्यक्रम अब बड़े लेवल पर होने जा रहा है, जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, शिरोमणि अमृतसर कमेटी, बाबा बलबीर सिंह बुड्ढा दल इस कार्यक्रम को बड़े पद्धर पर मना रहे हैं। जो 21 अप्रैल को मंजी साहब होगा, 22 अप्रैल को नगर कीर्तन के रूप में ये कार्यक्रम चलता हुआ अपना अनंतपुर साहब पहुंचेगा, 23 अप्रैल को फतेहगढ़ साहब पहुंचेगा, 24 अप्रैल को पटियाला पहुंचेगा, 25 अप्रैल को कुरुक्षेत्र पहुंचेगा और 26 अप्रैल को दिल्ली पहुंचेगा, 28 अप्रैल को दिल्ली के अंदर लाल किले पर प्रकाश पर्व होगा और 29 अप्रैल को एक बड़ा कार्यक्रम शाम को 4:30 बजे फतेह मार्च यमुना बाजार से होगा और शाम को 6 बजे दिल्ली के लाल किले पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें महाराजा सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया के जीवन के बारे में बताया जाएगा। राष्ट्रीय कीर्ति आह्वान समिति भारत के प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्रियों से मांग करती है कि इतिहास के अंदर उन महान योद्धाओं को इतिहास जोड़ा जाए, जो इतिहास हमारा लुका हुआ है, जो छुपा हुआ है, उसको आगे लाया जाए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उनसे प्रेरणा ले सकें। अमृतसर तो गजेंद्र सिंह किंग की रिपोर्ट, चैनल 2।